हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का। ये मूवी आज 24 तारीख को रिलीज हुई है थिएटर्स में। सो आप ये मूवी थिएटर्स में देखने लायक है या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं। जब बेस्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स का नाम आता है तब सामने नाम एक ही आता है, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स। बट ऐसे भी यूनिवर्स है बेस्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स के लिए स्पीड पकड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसमें आता है मॉन्स्टरवर्स यानी मॉन्स्टर यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स की फोर्थ मूवी जिसका सबसे ज्यादा हाइप है इंडिया में, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस फिल्म को देखने के पहले आपको तीन मूवीज देखनी पड़ेगी। कॉन्ग द स्कल आइलैंड जो 2017 में आई थी, 2014 की गॉडजिला, और 2019 में रिलीज हो चुकी गॉडजिला किंग ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। गॉडजिला ऑफ किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में हमें देखने को मिला था तीन सर वाले गिडोरा को गॉडजिला ने मार के किंग ऑफ ऑल मॉन्स्टर बन चुका था। अभी सीनियर्स में हमें दो बड़े मॉन्स्टर्स की बैटल देखने को मिलेगी, गॉडजिला और कॉन्ग। गॉडजिला चलता फिरता रेडिएशन का बॉम्ब भी कह सकते हैं, और उसके मुंह से एटॉमिक ब्रीथ भी निकलती है। और इधर कॉन्ग की हाइट भी बढ़ चुकी है, क्योंकि कॉन्ग स्कल आइसलैंड की मूवी 1973 के टाइमलाइन पर सेट थी, और 50 साल के बाद कॉन्ग की हाइट भी बढ़ चुकी है। और इस मूवी में उसे नया घर और उसका हथियार एशियन डिक्स भी देखने को मिलेगा। अभी इस मूवी की बात करें तो पूरा का पूरा मेन फोकस दोनों के बैटल पर दिखाने की कोशिश की गई है। दोनों के बैटल का मजा एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थिएटर ही जाना पड़ेगा। मूवी की ड्यूरेशन की बात करें तो वैसे तो मूवी 2 घंटे की भी नहीं है, बट थिएटर्स वालों ने फुकट के एड्स दिखा के टाइम वेस्ट किया है, और बीच में ही मूवी के मेन पॉइंट पर ही इंटरवल कर दिया है, जो बिना मतलब का ही कह सकते आप। और इन दोनों की बैटल की बात करें तो फैंस के लिए बहुत वेट था, क्योंकि 1962 में कॉन्ग वैसे गॉडजिला मूवी आई थी, इसमें दोनों का टाई हुआ था मैच। बट इस मूवी के डायरेक्टर एडम विनगार्ड ने कंफर्म ही कर दिया है हमें एक विनर जरूर देखने को मिलेगा दोनों के बैटल में। और जैसे एडम विनगार्ड ने कहा है इस मूवी के बारे में कि एक विनर हमें देखने को मिलेगा, वैसे ही हमें इस मूवी देखने को मिलता है एक विनर। अब वो कौन है इसलिए आपको देखनी पड़ेगी कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं दे सकता और आपका मजा भी खराब ना हो थिएटर में जाने का। इन दोनों के बैटल का जो सीन है एपी की मैं कहूंगा, इन दोनों के बैटल के टाइम का वीएफएक्स जबरदस्त ही कहूंगा, और बैटल के टाइम चलता हुआ बीजीएम वो भी जबरदस्त। का बेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो आपको थिएटर में जाना पड़ेगा। ये मूवी आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, और मूवी के एंडिंग में कोई पोस्ट क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन नहीं है। अभी देखना है कि वार्नर ब्रदर्स आगे की मूवी से कैसे कनेक्ट करेंगे। मूवी के मेजर ड्रॉबैक की बात करें तो ह्यूमंस का प्लॉट जरा बोरिंग और वीक लगा, और सबसे डिसअपॉइंटमेंट हुई जो मॉन्स्टर्स की माइथोलॉजी एक्सप्लोर करनी जरूरी थी इस मूवी में जो हुई नहीं। बस इन दोनों के बैटल पर ज़्यादा फोकस किया गया इस मूवी में। वैसे तो इस मूवी को इंडिया में 1 वीक पहले ही रिलीज किया गया है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड 31 मार्च को रिलीज होने वाली है HBO मैक्स पे और वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। रीज़न एक ही है, पायरेसी, क्योंकि OTT की वजह से ज़्यादातर पायरेसी होती है। और वैसे भी ये मूवी IMAX और थिएटर्स के लिए बनाई गई है। ये दो बड़े टाइटन्स का बैटल देखने का बेस्ट एक्सपीरियंस थिएटर्स और IMAX में देखने को मिलेगा। अब ह्यूमंस के प्लॉट पे जो एक्टर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनका भी ज़्यादा काम नहीं था इस मूवी में, वैसे भी उनको ज़्यादा शाइन करने को टाइम नहीं मिला। लास्ट में इतना ही कहूँगा, ये फुल्ली एंटरटेनमेंट मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है, ऑसम मूवी है। मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप थिएटर्स में जाए और इसका मज़ा उठाए, वो भी सेफ्टी के साथ ऑल प्रोटोकॉल्स फॉलो करके। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मूवी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।